नमस्कार दोस्तों, आरोग्यम के इस चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको RNR रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से यह डिसाइड होगा कि आपने काम कैसे और क्या किया है। यह सभी डायरेक्ट सेलर्स को करना होगा, जितने भी प्राइम ई-टेलर को छोड़ के लाइटनिंग स्टार ई-टेलर, राइजिंग स्टार ई-टेलर, प्राइम डायरेक्ट सेलर, एग्जीक्यूटिव, टीम लीड, टीम हेड, ये सभी को करना अनिवार्य है। तो इसको क्यों करना चाहिए? अगर आपने अपने जीवन से जनरेशन वन से जिस कंज्यूमर की रिपोर्टिंग की है, एक का कर सकते हैं, दो का कर सकते हैं, दस का कर सकते हैं, उनसे आप 5,000 रुपये तक का बिजनेस अगर हुआ तो आपको मैचिंग 3% मिलेगी। 4% और 5% के लिए कैसे? अगर उन्हीं कंज्यूमर से आपके स्वयं के कंज्यूमर, मतलब आपने खुद कंज्यूमर लगाए हैं सेल्फ, या जनरेशन वन के कंज्यूमर से अगर 10,000 का बिजनेस होता है तो आपको 4%, और अगर 20,000 का बिजनेस होता है तो 5%। इसमें आप केवल जीवन ही कर सकते हैं। जितने भी लाइटनिंग स्टार, राइजिंग स्टार और प्राइम डायरेक्ट सेलर हैं, ये केवल जीवन से करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो फास्ट ट्रैक मेंटेन कर रहे हैं, वह अपने ही कंज्यूमर ट्रैक में अगर आपने प्रवेश कर लिया है, एग्जीक्यूटिव है और आपका आई मैप ओपन हो चुका है, तो आपको 4 तरीके से RNR करना है। आप अपने सेल्फ के कंज्यूमर से कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने जीवन के कंज्यूमर से कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने रिस्पॉन्सिबल लेग के कंज्यूमर से कर सकते हैं जिसका किसी और ने ना किया हो। चौथा, आप 5 एक्टिविटी करके भी कर सकते हैं। अगर आपने 5 एक्टिविटी किया तो आपको 3% के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए 12,000, 4% के लिए 25,000 का बिजनेस चाहिए, और अगर आपकी टीम 40,000 का बिजनेस दे देती है तो आप 5% अचीव कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप टीम लीड हैं तो 3% के लिए, जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, 25,000, 4% के लिए 40,000, 5% के लिए 1,00,000, और टीम हेड हैं तो 3%, 4% और 5% के लिए क्रमशः 40,000, 1,00,000 और 2,00,000 का टर्नओवर होना चाहिए, प्रवेश कर जाएंगे। और सबसे पहले आपको July 1st जो साइकिल है, जिस भी साइकिल, उसको सबमिट करना है। अब आपके पास नीचे ऊपर लिखा हुआ है एलिजिबल, अभी आप 0% में हैं, आई मैप लेवल एग्जीक्यूटिव हैं, आपका लेवल यहीं पे बता देगा, और RNR टर्नओवर 0 है। तो अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, कंज्यूमर RNR एक्टिविटी और आई मैप RNR एक्टिविटी। सिंपल है, मैं आपको ब्रीफिंग करता हूँ। कंज्यूमर RNR एक्टिविटी आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्टिविटी के 5 टाइप हैं। आप 1-to-1 कंज्यूमर से मिले हैं, ग्रुप मीटिंग किए हैं, प्रोडक्ट सेमिनार किए हैं, प्रोडक्ट का डेमो किए हैं, कि फील्ड विजिट किए हैं, आप क्या जो भी करते हैं उस पर क्लिक करिए। जैसे मैं 1-to-1 मीटिंग पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको कंज्यूमर की डिटेल डालनी है, एडेड न्यू कंज्यूमर पे क्लिक करना है। एडेड न्यू कंज्यूमर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर होना चाहिए, या फिर आप उसके नेटसर वर्ड के बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर उसका मोबाइल नंबर डालते हैं। आइए देखते हैं। कंज्यूमर की डिटेल लेने के लिए जहाँ भी बिल कटा है उस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको कंज्यूमर परचेज पर क्लिक करिए तो आपको उस साइकिल में कंज्यूमर का नाम और उसका अमाउंट आ जाएगा। मैं यहाँ से इसका नंबर कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे कंज्यूमर की डिटेल डाल देता हूँ। एडिट करता हूँ तो कंज्यूमर आ गया। अब उसके बाद सेलेक्ट एक्टिविटी डेट, डेट सेलेक्ट किया, ध्यान रहे डेट क्लोजिंग के पहले की होनी चाहिए, आपने कहाँ मुलाकात की। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ थे, आपने किस डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया है, और साथ में आप फोटो सेलेक्ट करिए, फोटो गैलरी से सेलेक्ट करिए। फोटो सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अब फोटो सबमिट कर दीजिए, आपकी RNR एक्टिविटी हो गई। इसी तरह आपके माध्यम से जितने भी कंज्यूमर हैं, अब ये ई-टेलर का अभी भी 0 दिखा रहा है तो थोड़ा बैक जाइए और वापस RNR को एक टच करिए, सेलेक्ट करिए। अभी आप देखिए 3% आपका ऊपर एलिजिबल फॉर 3%। इसी तरह इस पे जाके आप देख सकते हैं आपने एक कंज्यूमर किया है। ऐसे ही 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके जीवन के कंज्यूमर हैं, वह आप
यहाँ डाल सकते हैं। दूसरा, चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप अगर IMAP RNR एक्टिविटी डालते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं। देखिए, इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको कोई भी एक ऑप्शन जो भी आप कर रहे हो, फील्ड विजिट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन, वर्किंग सिस्टम, ग्रुप मीटिंग, प्रोडक्ट सेमिनार, आपने उसको क्लिक किया। अब आप एक्टिविटी डेट डालेंगे। एक्टिविटी डेट डालने के बाद कहाँ किया था आपने, डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, और इमेज आप गैलरी से सेलेक्ट करके इसको सबमिट कर देंगे। ये RNR 3% के लिए 5, 4 के लिए 10, 5 के लिए 20 चाहिए। और अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं, एलिजिबल फॉर IMAP, जितने भी IMAP में हैं वो इस ढंग से कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अधिक जानकारी के लिए अपने सीनियर से बात करिए। कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के दे दूँगा।